ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ हिंदुस्तान की सरकार वालों जिहड़े तीन ऑर्डीनेंस लियांदे गए सी उन्हां नूं कानून का रूप दिता गया, पिछले दिन ही वह कानून बने हैं संसद दे विच, ते उन्हां बारे जिहड़ा पंजाब दे विच कांग्रेस सरकार वालों आम आदमी पार्टी वालों जिहड़ा गुमराह करन प्रचार करके किसानां नूं सड़कां ते लियांदा गया सी, उह चीज़ां बारे दसण दे लई तुहाडे विच आए सी ते उस बिल नूं ब्रीफली जो जो उहदे बिल च लिखिया गया उस बिल बारे सारा मैं तुहाडे माध्यम राही दस्या। तो मैं उम्मीद करदा कि किसान भरा जिहड़े आ साडे ओ इस नूं सुन के इस नूं पढ़ के मैं तुहाडे माध्यम राही एक बेनती होर करूँगा कि मैं पंजाबी दे विच उसका उल्था कराया उस बिल का जिस जिन्हों भी चाहिए वो साडे तरलोचन सिंह गिल नाल जां विनय जी नाल संपर्क करके वो पंजाबी वाला बिल मंगवाओ के एक बार पढ़ जरूर लैन ते पढ़ के जिथे कोई समस्या लगेगी। और सेंटर गवर्नमेंट ने यह नहीं कि बिल पास करता आप जो पास करता वो हम कायम आ, जे ये कित कोई सुधार की गुंजाइश लगेगी जो साढ़े किसान भरा जो कित कुछ चाहे तो वह सुधार भी किए जाएंगे उस बिल दे विच जो कोई मदद कोई होर एक्सट्रा ऐड करने वाली होगी आने वाले समय से वो ऐड की जाऊगी। आम आदमी पार्टी का कांग्रेस का नाम लिता है तो भाईवाल पार्टी भी थोड़ा साथ छड़ गई है इस मामले में। मैं साढ़े भाईवाल ने श्रोमणी अकाली दल वाले साडा NDA दे हिस्सा ने पिछले 5 जून तो लैके अज तक पिछले थोड़े दिनों तक श्रोमणी अकाली दल ने जिस तरह उस बिल नूं ब्रीफ किया जिस तरह क्योंकि वो सारे वो भी किसान नेता ने बादल साहब तो वड्डे शायद किसान नेता कोई इंडिया दे विच अज तक जो पहला देवी लाल जी उन्हां दे बराबर दे नेता रहे हैं। तो बादल साहब ने भी इस बिल पर बयान दिता सी, सार सुखबीर सिंह बादल जी इस बिल की हर एक एक एक, एक, एक चीज़ को जानते हैं, तो बीबा हरसिमरत कौर बादल जी तो उन्होंने जिन्हें भी बुलारे सी सारे इस बिल को चंगी तरह पढ़ के उन्होंने इस बिल के हक च 3 महीने जिहड़ा प्रचार ते प्रसार किया सी, पर उन्हों का संगठन अलग है क्योंकि पार्टियां साडियां दे संगठन अलग है। मैं इस बारे कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि उन्होंने की मजबूरी हुई है जिहड़ा उन्होंने पिछे हटना पिया, श्रोमणी अकाली दल तुहानू बैठ टंग बिल का विरोध करने वाले 8 राज्यसभा मैंबरों नू सस्पेंड किया गया है। बिल का विरोध करने वालों नू नहीं सस्पेंड किया गया भाई साहब, उत्थे गल्लां दे शब्दां च हेर फेर आ जाता है जिन्होंने माइक तोड़े क्योंकि संसद की एक मर्यादा होंदी है राज्यसभा की एक मर्यादा होंदी है, माइक तोड़े स्पीकर साहब की कुर्सी नू हाथ पाया जिन्होंने उत्थे अनुशासन भंग किया, विरोध से किसी सस्पेंड नहीं किया सिर्फ उन्होंने अनुशासनहीनता दे विच बरखास्त किया। सर आमदन दुगनी किवें होगी किसान दी? आमदन दुगनी दे लई सारा रोडमैप लैके आए हैं जी कि इस इन्हां ढंगा दे नाल इनकम दुगनी होगी, वह सारा रोडमैप जिहड़ा उहदे विच लिखिया होया कि किस तरह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू किस तरह किसानां दे FPOs बनाए जा रहे हैं कि किसान सारिआं नूं इकट्ठे करके उन्होंने जिथे हर कृषि यंत्र हर एक किसान नूं ना खरीदना पवे इकट्ठे होकर किसान जिस तरह असीं देखिया बाहरले देशां दे विच 300-400 एकड़ वाले फार्मर है जिहड़े वह भी 5-5, 6-6 किसान इकट्ठे हो जाते हैं। साडी इत्थे भी यही कोशिश है कि मशीनरी की वरतों क्योंकि साढ़े आम तुसीं देखिया होना पिंडां च 2 किले जमीन हुंदी है ते पर असीं ट्रैक्टर जॉन डियर रखना हुंदा है वो चीज़ों घटाने लिए क्योंकि किसान की जिथे इनकम वधाने वाले पासे काम कर रही है सरकार उत्थे उहदे खर्चे घटाने वाले पासे भी काम कर रही है कि सानू असी खर्चे भी घटाइए, यह सारिया चीज़ों के नाल किसान की इनकम नू वधाया जाऊ। सर जे किसानों की जिहड़ी सॉरी किसानों की जिहड़ी सर चिंता जी होए आ भी MSP खत्म हो जाणी उहदे लई प्रधानमंत्री ने जिहड़ी गल कही आ उह तुसीं रिपीट करो। सर प्रधानमंत्री साहब ने बिल्कुल इस तों पहलां 3 वार खेतीबाड़ी मंत्री साहब ने कहा, मैं दस दिया कि MSP अज तक कोई कानूनी नहीं हैगी कितने कानून दे विच लिखा नहीं, वर्बली ये चल रही है जिस तरह चल रही है। प्रधानमंत्री साहब ने बिल्कुल किसानों नूं यह कहा है कि तुसी चाहो अपनी फसल मंडी च वेचो, तुसी चाहो अपनी फसल व्यापारी नूं वेचो, तुहाडे ते किसे किस्म का कोई बैन नहीं हैगा कि तुसी व्यापारी नूं वेचनी है जां मंडी च वेचनी है। किसान नूं आजादी दित्ती है कि वह अपनी आजादी नाल अपनी फसल नूं किते भी वेच सकदा,
और प्रधानमंत्री साहब ने यह भी कहा कि MSP भी चालू रहेगी, मंडीकरण भी चालू रहेगा, नाल जिहड़ा असीं एक एक्स्ट्रा सिस्टम लैके आए हैं यह भी चालू रहेगा। यह मर्जी किसान की है कि उन्हें जिस तरह मैं पहला दसिया कि पंजाबी चे आपां जे शुद्ध पंजाबी चे गल करिए एक सड़क 50-70 साल तो बनी है, 70 साल वाली वो सड़क पुरानी टुटी भजी सड़क है, तो नाल एक तुहानू फोर लेन देता, पर वह फोर लैन देन के नाल नाल दूजी गल जिहड़ी वड्डी की है कि वह 70 साल वाली सड़क नूं भी बंद नहीं किया। भाई जे तुहाडी मर्जी है तो 70 साल वाली सड़क पर चली जाओ, जे तुसीं तेजी नाल जाना चाहुंदे हो तो फोर लैन पर चल दो, मर्जी तुहाडी है, कोई किसी किस्म का बैन नहीं है। पंजाब दर्पण न्यूज़ लिए जिला मोगा तो राम शर्मा अते गुरदेव खुराना दी विशेष रिपोर्ट।